जैसा कि मैंने आपको लेटेस्ट वीडियो में कहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला कितने सारे फैंस को रिप्लाई कर रहे हैं और इरिटेट भी कर रहे हैं, उसमें से एक सिद्धार्थ का बड़ा ट्वीट और सामने आया, यानी कि ट्वीट के रिप्लाई सामने आया सिद्धार्थ शुक्ला का। यह है फैन का रिप्लाई जहां पर यह सिद्धार्थ की दीवानी है और यहां ये लिखती है, अब हेयर प्लीज डोंट ट्विस्ट हिज वर्ड्स अकॉर्डिंग टू योर ओन कन्वीनियंस। हेयर ही सेइंग दैट ही हैड राधिका डिड्स ट्वीट मोर देन 10 टाइम्स नाउ, डोंट मेक इट अनदर इशू प्लीज। सिद्धार्थ शुक्ला एक एक ट्वीट को 10-10 बार पढ़ रहा है, यानी कि एक एक बात को 10-10 बार रिपीट किया जा रहा है, उसके ऊपर यहाँ पर ये ट्वीट करती हैं और इसके नीचे सिद्धार्थ बड़ा खूबसूरत वाला इनको रिप्लाई करते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला का रिप्लाई होता है, या अल्लाह नो आई मीन आई रीड ट्विंकल्स ट्वीट 10 टाइम्स सो आई लाइक इट एट लीस्ट गाइस हु हैव बीन देयर फॉर लॉन्ग कॉल्ड बी स्लाइटली मोर अंडरस्टैंडिंग। सिद्धार्थ शुक्ला ने हर एक चीज को समझा है, हर एक चीज को परखा है और हर एक चीज का एक्सपीरियंस भी किया है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिद्धार्थ शुक्ला को आज थोड़ा बहुत ज्ञान बांट रहे हैं, समझा रहे हैं। और अगर सिद्धार्थ इसके ऊपर कोई अपना रिएक्शन करें तो फैंस यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वो ये सब कह रहे हैं कि सिद्धार्थ ने ऐसा क्यों कहा कि डोंट गिव मी ज्ञान। क्या है आखिरकार इसका मतलब भाई, इतना नेगेटिविटी क्यों फैलाई जा रही है, वो चीज़ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं वाकई में इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत इरिटेट हुआ। हालांकि सिद्धार्थ शुक्ला ट्विटर हैंडल पर कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हैं और सभी फैंस को अपने रिप्लाई वगैरह कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा था कि हम सिद्धार्थ के रिप्लाई का इंतज़ार करते थे कि भाई कब सिद्धार्थ का रिप्लाई मिलेगा, मगर अब ज़्यादा से ज़्यादा सिद्धार्थ के ट्विटर पर रिप्लाई देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि फैंस का बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा था कि इसके ऊपर सिद्धार्थ जवाब क्यों नहीं देते, सिद्धार्थ शुक्ला क्यों नहीं बोलते, सिद्धार्थ क्यों अपने फैंस को रिप्लाई नहीं करते, और अगर रिप्लाई देने पर आए तो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है जिसकी कोई भी हद नहीं है। अब आगे क्या होगा ये हमें आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। और मेरा एक बड़ा रिक्वेस्ट होगा, अगर आप फैन हो, दिल से सपोर्ट करते हो, तो प्लीज़ ऐसे ट्वीट्स ना करें, अच्छे ट्वीट्स करो, बेटर करो, प्रोजेक्ट्स को लेकर करो, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है उसको लेकर करो, लाइफ के बारे में करो, बहुत सारी बातें हैं यार, जरूरी थोड़ी है यार ऐसे ज्ञान बांटने का फैमिली पर्पस से, ये सब भाई बेकार है, बहुत ज़्यादा गलत।